शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत आपका, आप देख रहे हैं कर्म आयुर्वेदा का यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर किडनी रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं ताकि आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इन्फॉर्मेशन लेने में आसानी हो। जैसा कि आप जानते हैं, हम किडनी से जुड़ी ज़रूरी डाइट की जानकारी के लिए खास पेशकश आपके लिए लेकर आते हैं और इसके लिए हमारे साथ डाइटिशियन श्रेया मौजूद है। वेलकम टू द शो श्रेया। थैंक यू विशाखा। आगे बढ़ते हैं, आज हम क्रॉनिक किडनी डिजीज में सॉल्ट इंटेक के बारे में बात करेंगे। तो श्रेया, सोडियम इंटेक जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या इम्पैक्ट डालता है, किस तरह से उनकी डाइट में इम्पैक्ट डालता है? सोडियम वैसे तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को ज़्यादा सोडियम का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उनकी बीमारी के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट की किडनी एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा लिक्विड को बाहर नहीं निकाल पाती है। यही नहीं, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर का भी कारण बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कई दूसरी और बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि पहला एडिमा यानी आपके पैरों, हाथों और चेहरे पर स्वेलिंग आना, दूसरा आपको हार्ट डिजीज़ का होना, तीसरा आपकी सांस की तकलीफ होना। तो श्रेया, ये तो बात हुई सोडियम की, सीकेडी पेशेंट्स की डाइट में सॉल्ट कैसे इम्पैक्ट डालता है और क्या इम्पैक्ट डालता है? जैसे कि वो कोई डाइट ले तो सॉल्ट उसमें क्या रोल प्ले करता है? अगर आप सीकेडी की स्टार्टिंग स्टेज पर हैं तो आपको आपके डॉक्टर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की सलाह देंगे। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो डॉक्टर आपको आपकी डाइट में नमक पर रोक लगा सकते हैं। एक अच्छी डाइट प्लान जिसमें सोडियम कम मात्रा में लेने की सलाह दी गई हो वही सीकेडी के पेशेंट को लेनी चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो जो सीकेडी के पेशेंट्स जिनको हाई बीपी हो और उनका बीपी बढ़ गया हो तो वो क्या चेंजेस कर सकते हैं डाइट में? उनके लिए पहला मैं आपको यही कहूँगी कि वो अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, दूसरा कि वो लोग एक अच्छी डाइट फॉलो करें क्योंकि दूसरी ओर आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, तो ये तीनों चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। तीसरा है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो कि किडनी डिजीज से भी जूझ रहे हैं उन्हें अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए। शायद आपसे जानना चाहेंगे कि सॉल्ट इंटेक जो होता है, कोई भी मील ले ले उसमें सॉल्ट होता ही है, बाहर भी जाएं खाने के लिए तो उसमें सॉल्ट होता ही, तो सीकेडी पेशेंट्स सॉल्ट इंटेक को कैसे कम करें? इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप नमक और सोडियम से बच सकते हैं। पहला, फूड प्रोडक्ट्स के लेबल ज़रूर चेक करें, कम सोडियम वाले फूड प्रोडक्ट्स को ही चूज़ करें। दूसरा, डेली 2300 मिलीग्राम यानी कि एक चम्मच से ज़्यादा नमक ना लें, वही अपना टारगेट बनाएं। तीसरा, केन फूड्स को अवॉइड करें। चौथा, बिना नमक वाली सीजनिंग्स को ही यूज़ करें, अपने खाने में उनको इंक्लूड करें। पांचवा है, नमक की जगह पर दूसरी हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करें। तो ये थी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में सॉल्ट इंटेक से जुड़ी जानकारी, जिसमें आज हमारे साथ थी डाइटिशियन श्रेया। थैंक यू श्रेया फॉर कमिंग ऑन द शो। आपको बता दें कि सीकेडी का इलाज आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र से करवा सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाइयों से इलाज होता है। कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।